नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार को ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो घर में आती है दरिद्रता। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन किए गए कुछ काम जीवन में दुर्भाग्य लेकर आते हैं, दरिद्रता लेकर आते हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि गुरुवार के दिन कुछ काम नहीं करने चाहिए क्योंकि इनका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन शैली पर जरूर पड़ता है और इसकी वजह से हमारे जीवन में आर्थिक तंगी आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसा भी माना गया है कि बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। सुखद पारिवारिक जीवन, शिक्षा, ज्ञान और धन इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जो गुरुवार के दिन हमें गलती से भी नहीं करने चाहिए। चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से कार्य हैं। इस दिन पिता, गुरु और साधु संत का गलती से भी अपमान ना करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं साधु संत का मजाक बना देते हैं, तो ऐसी गलती गुरुवार के दिन आप कभी भी ना करें। घर में कभी भी गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको गुरुवार के दिन अपने घर में खिचड़ी नहीं बनानी है। गुरुवार के दिन गलती से भी नाखून कट ना करें। नाखून काटने से घर में दरिद्रता आती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पतिवार वाले दिन आपको अपने नाखून कट नहीं करने हैं। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता का नाश होता है। घर में संपन्नता की कमी होती है, घर में सुख समृद्धि की कमी होती है, तो गुरुवार के दिन महिलाओं को गलती से भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। कोशिश करें कि गुरुवार वाले दिन अपने घर में आप पोछा भी ना लगाएं और ना ही गुरुवार वाले दिन आप कपड़े धोएं, क्योंकि ऐसा करने से भी कहते हैं कि धन का नाश होता है। गुरुवार के दिन गलती से भी आप बालों को भी ना, बहुत लोग होते हैं बाल कटवा लेते हैं, बहुत लोग होते हैं दाढ़ी सेविंग भी करवा लेते हैं, तो ये गलती भी गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा करने से धन की कमी होती है, घर में आर्थिक तंगी रहती है। कहते हैं कि घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। इसका संबंध सीधे सीधे घर के नन्हे सदस्यों से होता है, यानी बच्चों से। ये कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। अधिक वजनदार कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर में पोछा लगाना इस कोण के प्रभाव को कम कर देता है। इससे बच्चों और परिवार के सदस्यों की शिक्षा, धर्म, कर्म आदि का प्रभाव कमजोर हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि गुरुवार वाले दिन आपको घर से कबाड़ा भी बाहर नहीं निकालना है। ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। ये दिन लक्ष्मी प्राप्ति करने का माना गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजन जीवन भर खुशियां लेकर आता है, अपार वृद्धि लेकर आता है। ऐसा करने वाले पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं होती। तो इस दिन आपको क्या करना है, आपको गुरु भगवान का, विष्णु भगवान का, माँ लक्ष्मी का, राधा कृष्ण की बहुत पूजा करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।